सुश्री रितु नेगी को कबड्डी में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। सुश्री रितु नेगी। हिमाचल प्रदेश के शिलाई उपमंडल में लिंगानुपात 1066 पहुंच गया है। साधारण शब्दों में समझे तो लड़कों की तुलना में लड़कियां अधिक जन्म ले रही हैं। रिमोट इलाके के लोग बेटे व बेटी में भेदभाव नहीं करते। यहां बेटियों के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिल रहा है। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में हाटी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली लाडली बेटी रितु नेगी की बदौलत समूचा पहाड़ी प्रदेश गौरवान्वित हो उठा। अर्जुन अवार्ड से पहले जब रितु नेगी का परिचय हो रहा था तो उस समय न केवल सिरमौर बल्कि समूचा हिमाचल गौरवान्वित महसूस कर रहा था। खेल जगत में देश का सर्वोच्च पुरस्कार हासिल करने वाली रितु नेगी ट्रांसगिरी की पहली बेटी हैं, जबकि तीसरी सिरमौरी हैं। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच राष्ट्रपति ने एक शानदार समारोह में हाटी समुदाय की रितु नेगी को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया। सुश्री रितु नेगी। कबड्डी की उत्कृष्ट खिलाड़ी सुश्री रितु नेगी ने 2023 को चीन में हुए 19वें एशियाई खेल में एक स्वर्ण पदक और 2019 को काठमांडू में हुए दक्षिण एशियाई गेम्स में एक स्वर्ण पदक हासिल किया। सुश्री रितु नेगी को कबड्डी में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। सुश्री रितु नेगी। सुश्री नसरीन।